बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं माई स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एलईडी लाइट को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें एलईडीज ख़राब होती हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये रिपेयर नहीं होगी। और इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ, क्या पहचान है इसकी ख़राब होने की। एलईडी की मेन पहचान क्या होती है कि कौन सी एलईडी ख़राब होती है, तो इस वीडियो में आप यही मुलाहिजा करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें एक एलईडी ख़राब थी। आपको पहले पहचान बता दे, तो पहचान क्या होता है एलईडी की, देखें ये इसमें आप देख रहे होंगे, ये देखें, ये जो है ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा आपको इस एलईडी के अंदर, देखें ब्लैक स्पॉट है। और ये देखें कुछ एलईडीज ऐसी हैं इसमें भी हल्का सा, किसी में हल्का ब्लैक स्पॉट होगा, किसी में बिल्कुल जर्द माइल, किसी में बिल्कुल कत्थई कलर का शेड आया हुआ होगा, तो वो जो होता है एलईडी ख़राब होती है। और इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, ये देख सकते हैं आप। टेस्ट करने का ये तरीका है इसको कि आप इसको इस मोड पे रखेंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर है या क्लैंप मीटर है तो ये डायोड मोड पे आप इसको रखेंगे। ये देखिए डायोड मोड बना हुआ आ रहा है, ठीक है। डायोड मोड पे रखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एलईडी किस तरीके से, सबसे पहले हम डायोड मोड पर रख के चेक करेंगे और इसका नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता चल जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो आप इसको पलट के लगाएं, पलट के नहीं जले तो इस तरीके से दूसरी तरफ जाने पलट लें, ठीक है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्लो कर रही है, ठीक है। और इस तरीके से ये भी ग्लो करेगी, देखिए उल्टी अगर लग, ये देखिए ये भी ग्लो कर रही है। अगर मैं उल्टी निप लगाता हूँ तो ये बिल्कुल से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रखना है, चेक कर लेना है। तो इसी तरीके से ब्लैक वाली पे मैं लगाता हूँ तो आप देखिएगा ब्लैक वाली जो है इसमें ये देखिए सबसे ज़्यादा ब्लैक वाली ये है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए ये ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी ग्लो नहीं कर रही, यहाँ की सारी लाइट्स जो हैं ऑफ हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एक या दो लाइट इसमें जो है ख़राब हुई हो तो उसको सही आप किया जा सकता है। दो से तीन ख़राब हो तो किस तरीके से आप सही करेंगे, अगर ज़्यादा ख़राब हो तो आप ये चीज़ जो है साइड में रख दें, फेंक दीजिएगा, दूसरी चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक एलईडी इसमें ख़राब हुई थी। यहाँ से मैंने क्या किया, टॉर्च से इसको जो है यानी सोल्डरिंग आयरन से इसको हटा दिया यहाँ से, और इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। सिर्फ ये इसमें एक ख़राब हुई थी, एक ख़राब हुई है जब भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, एक से कुछ नहीं होता। दो भी अगर ख़राब होती है दो भी आप कॉन्टैक्ट शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट से ये होगा कि ये पूरी जो है रन करेगी। ये देखिए ये अभी सही हो चुकी है, उस टाइम सही नहीं हुई थी, मैंने इसको टेस्ट की थी। तो आप ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रही है और जबरदस्त जो है काम कर रही है। ये मैंने शॉर्ट करती थी तो ये काम कर रही है। इसमें और कोई भी आप इसको एलईडी को देख सकते हैं कि कोई भी ब्लैक शेड बीच में मौजूद नहीं है, तो ये होता है एलईडी को सही करने का तरीका। अगर थोड़ी सी मेहनत से आपकी जो है घर की जो भी एलईडी लाइट्स ख़राब हुई हुई है वो रिपेयर हो सकती हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में जुड़ी हुई होती हैं लाइटें, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से जुड़ी हुई होती है सीरीज़ में। और ये इसके अंदर होता है एक सर्किट जो कंट्रोल करता है 220 वोल्ट को डीसी बनाने के लिए, क्योंकि डीसी लाइट होती है और एसी के लिए ये सर्किट यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये लाइट रिपेयर हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट को शॉर्ट कर दी, शॉर्ट करके अगर एक या दो ख़राब हो तो उसको शॉर्ट करिएगा, ज़्यादा पाँच से छः सात ख़राब हो तो आप नहीं करने की कोशिश करिएगा। फिर इसकी एक चिप आती है
जो कि एलईडी उसमें फिट होती है और कंप्लीट 220 वोल्ट पे चलती है, वो 40 से 50 रुपए तक की मिल जाती है, वो इसके अंदर आप फिक्स करके इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि इसकी हीट सिंक ये होती है, हीट सिंक होती है ये, ठीक है। इस पर फिट करने से ये होता है इसकी जो सारी हीट है वो एब्जॉर्ब करता रहता है, वो निकालता रहता है हीट को। आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवाए, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।